मैं तो पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि शाहीनबाग को जो कहते हैं ना, तो मुसलमान बैठे हैं रोड पर, माता बहन 500-500 रुपये ले रही हैं, और ये केवल मुसलमानों का एक जो कि यहाँ पर अनशन है। अरे मैं कहता हूँ भ्रांति से मुक्त हो जाइए, ये सब भारतीयों का है। यहाँ पर सभी ने हवन किया है, आयतें पढ़ी हैं, गुरु ग्रंथ की जो कि वाणी का पाठ किया है, उसके अंतर्गत में सभी लोग थे। मैं हुकूमत हिंद पीएम प्रधानमंत्री काबिल जनाब काबिल एहतराम हुकूमत हिंद पीएम प्रधानमंत्री साहब से और वज़ीर दाखला अमित शाह जी से सिर्फ यही दरख्वास्त करेंगे कि आप हिंदुस्तान के अंदर मज़हब के नाम पे कोई भी कानून मत बनाइए प्लीज़, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे हैं और सारे के सारे भाईचारा चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन आपके पास इख्तदार की कुर्सी है और आप इख्तदार की कुर्सी के बदौलत आप जो ये काले कानून ला रहे हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस काले कानून को वापस लीजिए, वापस लीजिए। ये हम जिसे खुदा कहते हैं उसे हमारे हिंदू भाई भगवान कहते हैं, तो भगवान को भी ज़िद और घमंड और तकब्बुर पसंद नहीं है, इसलिए आप अपनी ज़िद को छोड़िए, आप हमसे आइए और बात कीजिए और हमें ये तसल्ली दिला दीजिए कि NRC लागू हम नहीं करेंगे, NPR लागू नहीं करेंगे, CAA लागू नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देश को तोड़ रहे हैं, हम देश को जोड़ रहे हैं और देश जुड़ेगा, हम टूटने नहीं देंगे किसी भी स्थिति से। शाहीनबाग एक बहुत अच्छी पहल है, मैं कहता हूँ यदि शाहीनबाग को तुम कुछ भी कहते रहिए पर ऐसे शाहीनबाग तो पूरे देश में पैदा होने चाहिए जिससे कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। और मैंने जो भी पढ़ाया कुरान की तलावत की है, आयतें पढ़ी, आप उसको ध्यान दें और करें कि सब में हमारे दिलों में प्यार मोहब्बत जमा रहे, आगे के लिए जमा ही रहे और जमा रहे, बच्चों को, नौजवानों को, माई बहनों को, बूढ़ों को, सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ किसी किस्म का भेदभाव नहीं हो। अभी हम कुछ देर माकबल कुछ देर पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे खड़े थे और तमाम ने अपनी अपनी बातें रखी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ भी कराई, तो हम सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं आज के इस प्रोसेस से जो अभी हम लोगों ने किया है कि आप हिंदू मुस्लिम को मत बांटिए, मज़हब के नाम पे मत बांटिए, बल्कि आप हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम कीजिए। हम बूढ़े शरीर ले रखी यहाँ बैठे, माँ बहनें बैठी हैं, कुंवारी बच्चियाँ बैठी हैं, बूढ़े बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, आप जरा ध्यान दो, ये सब भेदभाव मिटाओ, सब में एका लाओ, एकता लाओ, खुलूस लाओ, प्यार लाओ, मोहब्बत लाओ, ताकि हमारा देश बन पाए, ऊँचा बने।